डोंट जस्ट वॉक लाइक अ किंग, वॉक लाइक किंग कलीवाला। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। एंड आज की सुबह हो चुकी है सुबह 6:30 बजे से, बिकॉज वेलकम नहीं करोगे, आपका स्वागत करेंगे, वेलकम नहीं करेंगे, आपका स्वागत करेंगे विशान से। तो 6:30 बजे मेरी आंख खुली वॉशरूम जाने के लिए, और मैंने देखा विकी भाई अभी तक आए नहीं है, तो मैंने उनको मैसेज किया भाई कहाँ हो, भाई जी बोले बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। मैं बोला बंदा 10 मिनट बोल रहा आ जाएगा, मुझे क्या पता इनको आते ही मुंबई की हवा लग गई, 10 मिनट बोल के 45 मिनट्स में आए, लेकिन आ गए। मुझे जो ड्राइवर ने बोला, ड्राइवर तो मुंबई का ही है ना। तो ये देखो उस्ताद जी, उस्ताद जी सब पूछ रहे थे विकी भाई कहाँ है, विकी भाई कहाँ है, विकी भाई कहाँ है, काम पे विकी भाई आ चुके हैं। और अभी बज रहे सुबह के ऑलमोस्ट 7:15, अभी बाजी हो रहे रेडी, बोल भाई तरह 14 घंटे गाड़ी चला के फिर भी जिम जा रहा है, डेडिकेशन। इन्होंने सुन लिया कि ड्राइवर था, नहीं 14 घंटे ड्राइव पे से आए, तो अभी मुझे बोल रहे कि यार जुनैद मुझे ना जिम जाना है, जुनैद जिम जाना है, जिम जाना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप जिम जाओ। तो अब इनको देख के ना मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी जिम जाऊं, क्योंकि मुझे अब नींद नहीं आने वाली है इस इंसान के साथ में। इस इंसान के आने के बाद मैं अब सो नहीं सकते, बिकॉज इतनी सारी बातें होती है। तो आई थिंक आई डोंट नो, शायद मैं जिम जाऊं, शायद मैं सो जाऊं, जो भी रहेगा मैं आपको आगे व्लॉग में बताता हूं। पाजी ने बोला कहाँ तू सोएगा, नींद तो आ रही नहीं, चल। तो मैंने बोला अरे पाजी थोड़ी आ रही थोड़ी नहीं आ रही, तो ले आ गए हमारी फेवरेट। हाँ बोलो, बात करते हैं, मैं कहा बातचीत करते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा मेरा भी और तेरा भी। मैं कार्डियो करेगा तो साथ में बैठ रहा है, कुर्सी लगा के कार्डियो मशीन पे। नहीं मैं एब्स मार लूंगा, एब्स मार लूंगा। और वी आर हियर स्टारबक्स व्हिच मेक्स अ वेक्स मी अप, नॉट मेक्स मी, व्हिच मेक्स वेक्स मी अप। तो स्टारबक्स इज द प्लेस जहाँ से मैं जाग जाता हूँ कॉफी पीने के बाद। जिम से पहले स्टारबक्स इज मैंडेटरी अगर आपके जिम में पैसे हो तो। मेरे पे लेते इसने पे किया देखो, मैं पैसे लेके नहीं आता, अमेरिका अमेरिका के पैसे यहाँ नहीं चलते और यहाँ के पैसे अमेरिका नहीं चलते, हमारा रूल है। मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ तो मैं कभी पैसे लेके नहीं जाता, और ये बॉम्बे आते हैं तो ये लेके आते हैं, ऐसे दे देते कि रख दो इसको। सेम फूड सेम मिशन। भाजी जिम में क्या कराया आपने? कुछ नहीं, कुछ नहीं, टाइम पास करा, मैंने कुछ करने की जरूरत नहीं, टाइम पास कर ले, थोड़ी बहुत पोजिंग कराई। एंड भाजी इज ईटिंग द सेम फूड, एग्स एंड पोटैटो। मुझे ना बस एक चीज़ सीजन और ऑन सीजन में सेम फूड, मुझे बस यही चीज़ अडॉप्ट करनी है पाजी, कि ऑफ सीजन में मैं वही खाना खाऊँ जो मैं ऑन सीजन में खाता हूँ, फिर हाँ फिर उसके बाद में मैं कभी भी वो गुलू मुलू हूँ ही। बट क्या करूँ, मेरा जबान है बड़ा, जबान है ना, कंट्रोल नहीं होता, बट कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, ये बार कोशिश करेंगे। और ये है विकी पाजी की कॉफ़ी जो रेडी पड़ी है, ये है मेरी कॉफ़ी जो मैं पी रहा हूँ, और विकी पाजी पीछे हो रहे रेडी। विकी पाजी जैसे रेडी हो जाएंगे हम जाएंगे वर्कआउट करने, और आज हम करने वाले इस प्रेप का आखिरी आम वर्कआउट। ऑल बॉडी बिल्डर इन द हाउस, लव प्रीत इन द हाउस। हेलो सर, एक और बॉडी बिल्डर। माँ कसम मामा, तुम तो बड़े फेमस हो, ये क्या मामा, तुमको भी आज जोश चढ़ गया। लव प्रीत, क्या हाल चाल है? पंजाब के लड़के ऐसे हैंडसम होते क्या? नहीं बस ब्रो थैंक्स, मैं तो झूठी तारीफ कर रहा था ब्रो। नहीं मुझे लगा कि मेरा पंजाब से आया, कुछ गिफ्ट लाया होगा मेरे लिए। गिफ्ट लाया, ऐप लाया, लव प्रीत इन द हाउस। मैं अभी अभी इट्स अ वाइब जब आप जिम में आते हो और सब एथलीट एक एक नाउ इट्स टाइम इज कमिंग, द टाइम इज नियर। अब ऐसा लग रहा है वो एवरीवन इज गैदरिंग, और नजदीक आ रहा है। मेरा तो तुम वैसे जिम में रहते हो, उसी पैसे से मेरा घर चल रहा है। अच्छे से देख रहा हूँ, तारीफ नहीं करना, नहीं तारीफ नहीं, आप मेरी तारीफ छोड़ दे, पहले पुराने वो सब पता है। जो पिक्चर्स आ रही है वो कितनी रिसेंट है वो पता है। नहीं अभी रिसेंट डाल रहा हूँ, वरना पहले 4 वीक पहले की मैं बाद में नहीं डाल रहा था, बट जिस दिन से पाजी है ना उस दिन से पाजी ने बोले डालना रिसेंट, और मैंने डाल दिया, मैंने पिक्चर डालनी चालू की, और उसके बाद हमने भी चालू कर दी पीछे। अच्छा है, मुझे हमारी बात हो रही थी तो पता नहीं ये आप डालोगे नहीं डालोगे, लेकिन मैं कह दूं कोई बात नहीं, मैं एडिटर स्मार्ट है, दिला तो रखता नहीं तो काट देता। कहते कि जब आप शो में जाओ ना, वॉक लाइक अ किंग, आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि
मतलब जो मर्जी हो जाए चक दे आएंगे काम। पहले मैं आज तुझे एक और बात बोलता हूँ, डोंट जस्ट वॉक लाइक अ किंग, वॉक लाइक किंग कली वाला। चलो ठीक है जी भाजी, मैं चल रहा हूँ। किंग कोहली ने अपना काम कर दिया, इट्स टाइम फॉर किंग कली वाला टू डू इट। यस सर। गए थे आर्म्स वर्कआउट करने, लेकिन ट्रेनर साहब ने पूरा प्लान ही चेंज कर दिया। पहले थोड़ा सा शोल्डर, फिर थोड़ा सा आर्म्स, और मस्त रील का कंटेंट ले लिया हमारे पप्पी पाजी ने। पाजी के आर्म्स देखो कितने पंप लग रहे हैं, पंप ही रहते हैं। मेरे साथ रहोगे तो पंप ही रहेगी। और अब हम आ गए हैं सोर्स ऑफ सप्लीमेंट, दिखाइए दिवाली के लिए। आप देख रहे हो दिवाली सेल के फायदे लोग किस तरीके से उठा रहे हैं। हमारे पास में रखने की जगह नहीं है। टीम दिवाली के दिन भी काम कर रही है, प्राउड ऑफ माई टीम, दिवाली के दिन भी काम कर रही है। दिवाली SOS वाली ऑलरेडी पैकेजिंग बहुत चल रही है। ये सारे ऑर्डर आप देख सकते हो, ये आप लोगों के लिए, ताकि डिलीवरी लेट ना हो। हमारी टीम आज दिवाली के दिन भी पैकेजिंग कर रही है, डिस्पैचिंग कर रही है। अब अगर कुरियर वाले अगर पिकअप करने नहीं आए तो उसमें हमारी गलती नहीं होगी, लेकिन हमारी टीम देख रहे हो आप सारे के सारे इधर पे कर रहे हैं। ओए छोटू, हैप्पी दिवाली, आ जाए तो मिल तो ले, जाने तो मिल ले मेरे से। कहाँ है दूसरा वाला? आप दिवाली दोगे ना अभी 30th को? मैं तो बोल रहा हूँ कि दिवाली आ जाए, लेकिन पटाखे में 30th को फोड़ूंगा। तो मैं खैर ये कह रहा था कि SOS दिवाली SOS वाली सेल बहुत ही जोरों शोरों में चल रहा है, और तहे दिल से शुक्रिया सभी का जो लोग यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया कि आप देख सकते हो ये रिजल्ट आपके सामने, नथिंग एल्स टू से। और मैं यही चीज़ कहूँगा कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने जब बताया था कि जो भी इंसान दिवाली सेल में एक लकी विनर बनेगा, उसको हम देंगे फ्री ट्रिप टू दुबई, फुल्ली पेड फ्री ट्रिप टू दुबई। लेकिन माल भी खत्म हो गया है, माल आएगा कि नहीं? हाँ आएगा, ये पड़ा है और भी है ना गोडाउन में। सो फुल्ली पेड टू दुबई बोला था, फुल्ली पेड ट्रिप टू दुबई बोला था, लेकिन मैं आप लोगों को एक और ऑप्शन देता हूँ, क्योंकि मेरी डिस्कशन बिकी पाजी के साथ भी हुई, और भी लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, या फिर शायद वो अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहते, कोई भी रीज़न की वजह से दुबई नहीं जाना चाहते, तो क्या करें? तो उनके लिए ऑप्शन बी लाया हूं मैं, कि अगर आप लकी विनर बनते हो और आपको दुबई नहीं जाना है कोई भी रीज़न की वजह से, तो मैं आपको दे रहा हूँ आईफोन 13 प्रो बॉक्स पैक, सेकेंड हैंड नहीं, नया सील पैक आईफोन 13 प्रो मैं आपको दे रहा हूँ। तो फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऑर्डर करिए। ऑलरेडी आप देख रहे हो माल खत्म हो रहा है, फिर बोलना नहीं भाई मुझे मिला नहीं। अपने फेवरेट सप्लीमेंट मंगा लो, 2-3-4 महीने के लिए डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, अप टू 70% प्लस आपको मिल रहा है हर परचेज पे गिफ्ट, और उसके साथ में एक लकी विनर को मिलेगा या तो दुबई जाने का मौका या फिर आईफोन 13 प्रो। तो मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं भी मेरे लिए कुछ ले लेता हूँ, आप भी आपके लिए कुछ ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर सपोर्टिंग, हैप्पी दिवाली। एक सच बात बताऊँ आप लोगों को, आपने अगर मेरे ब्लॉग रिलीजियसली देखेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मुझे फिश खाना ज़रा भी नहीं पसंद था। स्पेशली मैंने थाईलैंड के प्रेप में फिश नहीं खाई थी, फिश की जगह मैं चिकन खाता था, बट ये बार मैंने इतनी फिश खा ली कि अब मुझे चिकन से ज़्यादा फिश पसंद आने लगी। अगर मुझे कोई जॉर्ज फरा बोले ना कि मील 2, 3, 4, 5, 6 सब में फ़िश हो, मैं ऑलमोस्ट 4-5 मील में फ़िश खा सकता हूँ, अंडे और फिश पर मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। मे बी बिकॉज मैंने जो बनाने का तरीका था वो अलग कर दिया, किसी दिन बता दूंगा कैसे बनाया था मैंने, बिकॉज नाउ आई डोंट फील दैट प्यूकीनेस। पहले जैसे बनते थे ना तो प्यूकीनेस होती थी, लेकिन अब नहीं होता। अब मैं किसी दिन बताऊँगा ब्लॉग में कि मैं फ़िश कैसे बनाता हूँ, बट अभी ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि चिकन मत दो, फिश दे दो, मैं खा लूँगा खुशी खुशी। और ये है हमारा मील नंबर 4, और इसके बाद में मील नंबर 2 है, जो आप लोगों ने लास्ट वाले ब्लॉग में देख लिया होगा कि मील नंबर 2 क्या है। तो अभी वही चल रहा है, कल ट्यूजडे के दिन मैं चेक इन भेजूंगा जॉर्ज फारा को, और उसके बाद में मुझे बताएंगे क्या चेंजेस करने। तो मुझे लगता है कि आज का सारा समाचार हमें यही ख़त्म करना चाहिए, बिकॉज देर इज़ नो एक्साइटिंग थिंग टू शो एनी मोर। सो मुझे लगता है कि ब्लॉग को यहीं एंड करना चाहिए। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस ब्लॉग,
बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। कल दुआ में याद रखना, ज्यादा किसी का साथ बिल्कुल मत।